George Fernandes sahab apne aap mein ek legend the, itihas tha unke andar. Agar bachpan se unka vishleshan kiya jaye unki zindagi ka, revolutionary the. जब उनके पिताजी चाहते थे कि वो लॉ करें, वकील बने, तो मैट्रिक में ही वो स्कूल पढ़े कि मैंने नहीं लॉयर नहीं बनना. फिर इनको एडमिट किया गया रोमन कैथोलिक प्रीस्ट बनाने के लिए. वहां पर रहे, उन्होंने देखा बड़ा भेदभाव है, वहां से भी छोड़ के निकल पड़े. और 19 साल की आयु में उन्होंने कहा कि मैं अभी काम करूंगा, और बहुत बड़े ट्रेड यूनियनिस्ट बने. मेरे पिताजी के साथ उनका बड़ा घनिष्ठ संबंध था. वो फ्रीडम फाइटर थे, वो भी रेवोल्यूशनरी थे इनके तरह ही. 1985 में उनका मर्डर हो गया था, मेरे पिताजी का, और काफी खून खराबा हुआ था होशियारपुर में. मेरे पिताजी ने 5 इलेक्शन जीते थे, 1937 से लेकर 1942 तक वो म्यूनिसिपल कमिश्नर थे होशियारपुर में. 3 बार मेंबर एमएलए थे, 1 बार कंबाइंड पंजाब में, 2 बार उसके बाद में एमरजेंसी में थ्रू आउट जेल में रहे 2.5 साल के करीब, और 1 बार मेंबर पार्लियामेंट बने 1977 में. कर्फ्यू लगा हुआ था होशियारपुर में उनके मर्डर के बाद में, काफी खून खराबा हुआ. जॉर्ज फर्नांडिस साहब होशियारपुर में पहुंचे सारे विरोध के बावजूद. शरद यादव जी, प्रकाश सिंह बादल जी, रामविलास पासवान, इन लोगों ने सरकार को चैलेंज करके वहां पर गए थे. मैं भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट था. 1985 में जब मेरे फादर का मर्डर हुआ, उससे पहले 1984 में जब इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ, तो मैंने MiG-23 एयरक्राफ्ट में उनको एस्कॉर्ट किया था एयरफोर्स स्टेशन हिंडन से यहां से लेकर अमरनाथ तक. अगले साल जब मेरे पिताजी का मर्डर हुआ, तो उसमें मुझे भारतीय वायुसेना से निकाल के पार्लियामेंट में आने के लिए मुझे मजबूर किया गया, ताकि वो खून खराबा जो है, ताकि वो बंद हो सके. मैं 4 बार मेंबर पार्लियामेंट रहा हूं, और जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ लगातार ही काफी घनिष्ठ संबंध रहा. जब बैंक स्कैम हुआ था, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, तो उस समय उस कमेटी में 1992-1993 में उनके साथ मेरे साथ में बैठते थे. लेफ्ट साइड में जयपाल रेड्डी बैठे थे साथ में, राइट साइड में तो मैंने उस दौरान में देखा इनको लगातार अंदर बैठे, ये लिखते रहते थे, और वो सवाल पूछते थे जो कोई भी नहीं पूछ सकता था. दबंग थे, कभी किसी की परवाह नहीं की उन्होंने. और उस दौरान उनसे काफी कुछ सीखने को मिला. हर्षद मेहता इस स्कैम में इन्वॉल्व थे, जिसमें कि तकरीबन 35-40 हजार करोड़ रुपया अकेला उन्होंने ही गबन किया हुआ था. जब उनको बुलाया गया कमेटी में, सवाल पूछे गए, बहुत ऊटपटांग बकवास बोल रहे थे, तो मैंने उस समय उठ के राम निवास मिर्दा जी चेयरमैन थे, उनको मैंने कहा कि इसकी कस्टडी मुझे 24 घंटे के लिए दे दो, इसकी मैं चमड़ी उधेड़ दूंगा, और ये बता देगा भी क्या क्या किया इसने.
तो काफी शोर शराबा हुआ कि ये जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज लिखी गई है इसको निकाला जाए. तो मिर्जा जी ने इन्होंने रामविलास पासवान जी ने मुझे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ के पीछे से कहने लगे कि नहीं इन्होंने ये वर्ड विड्रॉ किए हैं. मिर्जा जी ने कहा नहीं, ही द मेंबर हैज टू ऑन हिज ओन से मेंबर को खुद कहना पड़ेगा कि ये वर्ड जो है विड्रॉ किए गए हैं, मैंने नहीं किए थे. तो इन्होंने मुझे कहा इतना सख्त नहीं बोलना चाहिए. मैंने कहा मैं आपसे ही सीख रहा हूँ, अपने पिताजी से सीखा है. मैं बहुत लंबा नहीं बोलूँगा लेकिन बहुत कुछ इनके साथ. डिफेंस कमेटी का चेयरमैन जब ये डिफेंस मिनिस्टर थे वाजपेयी जी के साथ, न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे उसमें मैं डिफेंस कमेटी का चेयरमैन था. इनके साथ लगातार ये जो कारगिल की वॉर हुई थी उस समय भी इनके साथ लगातार मेरी संपर्क रहा और जो कुछ हो रहा था मैं खुश नहीं था उसके साथ. और वाजपेयी जी के साथ और इनके साथ मिट के दो बार तीन बार काफी गर्मा गर्मी हुई. तो मैं क्योंकि अभी लंच ब्रेक होना है, मैं और नहीं किया था कहते हुए उनको ये जो पद्म विभूषण दिया गया है बिल्कुल ठीक कहा गया. उनका अपना रुतबा इससे बहुत ऊपर था, पद्म विभूषण से बहुत ऊपर था और इनसे सीखने को बहुत कुछ है. आज जो मारामारी देश में चल रही है अगर वो होते तो पता नहीं क्या होता. उन्होंने बड़े संघर्ष किए, खुद अपने जीवन की कभी परवाह नहीं की, शायद वो आज खुले सड़कों पे घूमते. लेकिन ये जो बर्बादी हो रही है ये शायद नहीं होने देते, देश को नुकसान हो रहा है. तो मैं और कुछ नहीं कहता हुआ अपने श्रद्धा सुमन उनके चरणों में भेंट करता हूँ. यही चाहूँगा कि आज का यूथ है इनसे इनके चले हुए कदमों पे चल के इस देश को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ कर सके. धन्यवाद. जय हिंद.